हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं जिसमें मात्र 2 सेकेंड में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी संख्या का मात्र 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो वही अभी संख्या ले रहे हैं एक। चलिए देखते हैं, तो ये संख्या है, इस संख्या को जो है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट इसको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। चलिए कितना सेकेंड लगता है वो देखिए, मात्र 2 सेकेंड लगेगा। देखिए इधर से हम करते जाएंगे, मने मन करेंगे और मन ही से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, उसके बाद यहाँ 4 होगा, उसके बाद यहाँ 8 होगा, यानी कि मात्र 2 सेकेंड लगेगा। आप लोग निकालिएगा, मात्र 2 सेकेंड में निकल जाएगा। चलिए इसको कैसे निकाल लिए वही अब बताते हैं, यानी कि इसको हम डमरू नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमरू नियम बोलते हैं। ये जो है डमरू है, डमरू बजाएंगे और आंसर निकलेगा, डमरू बजाएंगे आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा चलिए हम दिखाते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो हम अभी बोले कि डमरू नियम, डमरू कैसे बनाएंगे, चलिए हम डमरू बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे होगा, उसके बाद सीधा ऊपर नीचा, उसके बाद ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, उसके बाद फिर ऐसे, यानी क्रॉस जो करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी गुना ही हुआ। उसके बाद चलिए अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये डमरू बनेगा। चलिए ऐसे पहले करेंगे तो क्या करेंगे, चलिए इसी नियम को फॉलो करेंगे और मात्र आंसर आएगा। चलिए हम निकालते हैं कैसे, 8 को और 5 को गुना करेंगे। पहला क्या है देखिए, 8 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 40 का आ गया 0 और शेष बच गया कितना, 4, 4 बच गया, उसको इधर जोड़ना है, यानी उसके बाद क्या करना है, 4 जो बच गया, 40 का 0 बच गया है 4, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना करेंगे। चलिए 8 × 3 = 24, 5 × 4 = 20, 24 और 20 कितना हुआ, 8 × 3 = 24 और 5 × 4 = 20, तो 20 और 24 कितना हो गया, 44। और इसका जो ये शेष बच गया था, इसका वो 40 का 0 शेष जो बच गया था, 44 में ये 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 48 का क्या लिख देंगे, 8। उसके बाद देखिए 48 का 8 शेष कितना बच गया, शेष जो बचा 4, उसको अब क्या करेंगे, अब ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कर लिए। उसके बाद देखिए ये तीसरा स्टेप बच गया है, तो ये 4 × 3 = 12, ये तीसरा स्टेप जो बचा है, 4 × 3 = 12, और इसका जो है 48 का 8 हुआ था, इसका जो शेष बच गया 4, इसमें जोड़ देंगे, 4 × 3 = 12, और ये 4 जो है कितना हो जाएगा, 16, 12 × 4 = 16। तो ये हो गया डमरू नियम। चलिए दूसरा एक और बताते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, चलिए देख, चलिए इस पे हम बनाते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है देखिए, इसका जो शेष बचेगा, इसका जो शेष बचेगा इधर आएगा, इसमें ऐड कर देंगे, इसका जो शेष आएगा इधर ऐड होगा, यानी कि शेष जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, इसका जो शेष होगा इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ करेंगे पहले क्या, पहला स्टेप क्या है, ऊपर नीचा, तो 4 × 3 = 12, 12 का कितना आ गया, 2, शेष कितना बच गया, 1 बच गया, इसमें शेष 1 बचा है, याद रखना है इसमें शेष 1 बचा है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, इसको ऐड कर देंगे, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, तो 8 × 6 कितना हो गया, 14, इसका एक शेष बच गया था, तो 14 × 1 = 15, 15 का कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप ये है, इसमें एक शेष बच गया है, इसका शेष इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें 15 का 5, 1 बच गया है, चलिए 2 × 2 = 4, 1, इसका जो 1 था इसमें ऐड कर देंगे, 4 × 1 = 5, यानी कि ये मल्टीप्लाई तैयार है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको करेंगे तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप है ऊपर, 5 × 25 = 25, बच गया कितना, 2, उसके बाद चलिए 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30, 30 और 35 को ऐड करेंगे, कोना कोनी जो करेंगे, तो 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, 30 और 35 को ऐड करेंगे, 65 होगा, इसका 2 शेष बच गया था 25 में, 25 का 5, 2 शेष बच गया था, 65 × 2 = 67, 67 का कितना हो जाएगा, 7, 6 बच गया, उसके बाद ऊपर नीचा पर करेंगे फिर, तो 7 × 6 = 42, इसका 6 शेष बच गया था, 42 × 6 कितना हो गया, 48, तो 48 लिख देंगे, ये आ गया। इसका दूसरा नियम क्या है इस संख्या का, जैसे हम इससे पहले बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे यहाँ देखिए, तो बताए थे आप लोग को पीछे, बताए थे पिछले वीडियो में कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो और दहाई अंक का अंतर जो हो 1 हो, इसका देखिए दहाई अंक का अंतर क्या है, 1 है। इससे पहले आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, तो क्या करेंगे,
इसको अपने मन से यहाँ क्या करेंगे, इधर से 75 लिख देंगे, ना ही ऐड करना है, ना ही जोड़ना है, ना ही गुना करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से यहाँ 75 लिख देना है। उसके बाद दूसरी नंबर में क्या करना है, इसमें जो बड़ा होगा, इसमें बड़ा कौन है, जिसका अंतर एक है, इसमें बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, उसी में एक जोड़ देंगे, 7 में एक जोड़ेंगे 8 होगा, 8 × 6 = 48, इस 6 से गुना कर देंगे 48। देखिए सेम आया, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।